या तो रखे सारा अभिमान। इसे दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। पंजाब के अमृतसर में पकड़ी गई नशीली दवाओं के तार सिरमौर जिला के पौंटा साहिब से जुड़ गए हैं, जिसके बाद पंजाब पुलिस की टीम ने देर रात पौंटा साहिब की एक फार्मा कंपनी में दबिश दी और सब बड़ी मात्रा में नशीली दवाएं बरामद की। मामले को लेकर नाहन के एसपी सिरमौर मीडिया से रूबरू हुए। दरअसल बीती 18 मई को अमृतसर में पंजाब पुलिस ने 4 लोगों से बड़ी मात्रा में नशीली दवाइयां बरामद की थी और पूछताछ करने पर पता चला कि यह दवाइयां पौंटा साहिब की एक फार्मा उद्योग से सप्लाई हुई हैं। पंजाब पुलिस की एक टीम ने रविवार देर शाम फार्मा उद्योग में दबिश दी, जहां से करीब 30 लाख टैबलेट बरामद की गई, जिसकी कीमत करीब 15 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। इस मामले में पंजाब पुलिस ने फार्मा कंपनी के एक शख्स को हिरासत में लिया है। एसपी सिरमौर खुशहाल शर्मा ने बताया कि पंजाब पुलिस ने हिमाचल पुलिस का भी सहयोग मांगा था, जिसके बाद यह कार्रवाई अमल में लाई गई है। उन्होंने कहा कि फार्मा उद्योग के पास इस दवाई को बनाने का लाइसेंस था, मगर इस बात को लेकर जांच की जा रही है कि जिन दवाओं की सप्लाई दिल्ली को जानी थी वह पंजाब कैसे पहुंच गई। ड्रग्स विभाग के सहायक ड्रग कंट्रोलर सन्नी कौशल ने बताया कि ड्रग महकमे को भी पंजाब पुलिस द्वारा सूचित किया गया था, जिसके बाद ट्रक महकमा भी कार्रवाई में शामिल हुआ था। उन्होंने कहा कि फिलहाल फार्मा उद्योग का लाइसेंस रद्द किया गया है और आगामी आदेशों तक यहां किसी तरह की दवाइयों का कोई उत्पाद नहीं होगा। उन्होंने बताया कि जिन दवाइयों को बरामद किया गया है उनका इस्तेमाल चिकित्सकों के परामर्श पर किया जाता है, मगर मौजूदा में असामाजिक तत्व इसका नशे के रूप में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको विदित है कि पिछले कल पौंटा साहब में पंजाब पुलिस की एक टीम पंजाब प्रांत के अमृतसर, जो हमारा रूरल डिस्ट्रिक्ट है, उसके एक मातेवाल थाने में 18 मई को एफ आई दर्ज हुई थी, जिसमें कि 50,000 टैबलेट्स, कैप्सूल, ट्रामाडोल वगैरह के पकड़े थे। उसी के अन्वेषण के तहत जो है पंजाब पुलिस पिछले कल पौंटा साहब, जो यूनिक फॉर्मुलेशंस हैं देवी नगर में, वहाँ पे आगे जांच करते पहुँची और मुझे भी फ़ोन आया था पंजाब पुलिस के एक अधिकारी का अमृतसर से, तो हिमाचल पुलिस का सहयोग मांगा और हिमाचल पुलिस ने पूरा सहयोग दिया। साथ ही हमारे अपने जो स्टेट ड्रग कंट्रोलर, उनसे बात हुई और हमारे असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर नाहन और जो पौंटा साहब के ड्रग इंस्पेक्टर हैं वो भी वहाँ पे उस टीम के साथ थे और वो जांच कर रहे थे कि जो कंपनी जिसको लाइसेंस है, लाइसेंस होता कंपनी है, दे हैव लीगल राइट टू प्रोड्यूस दैट, मैन्युफैक्चर दैट ड्रग, लेकिन वहाँ से जब बाहर निकली है और आगे दिल्ली के लिए कंसाइनमेंट थी, लेकिन वो दिल्ली के बजाय पंजाब में कैसे पहुँची, इस बारे में जो है वो पंजाब पुलिस जाँच कर रही थी और इस जांच में हमने भी सहयोग दिया और जांच के दौरान थोड़ी बहुत अनियमितता जो उनको सामने में आई है पंजाब पुलिस ने प्राइम एफेसी उसमें कार्रवाई करते हुए जो है वो इसको फैक्ट्री का जो 30 लाख से ज़्यादा कैप्सूल और टैबलेट्स हैं ट्रामाडोल एल्प्राजोल जो मैन्युफैक्चर हो गया था उसको सीज किया है, अपने पोजेशन में लिया है और अपने साथ पंजाब ले गई है और जो फैक्ट्री के जो मालिक मैनेजर जिसके नाम पे शायद लाइसेंस है उनको भी जो है वो अपने उसमें अपनी कस्टडी में ले गई है, जो कि हमारे हिमाचल प्रदेश पुलिस के साथ शेयर किया पंजाब पुलिस ने। अब इसकी तफ्तीश चल रही है कि इसमें किसका कितना दोष है और इसके पीछे और किसी और किस व्यक्ति का या किसी और कंपनी का या किसी और माफिया का हाथ है। हमें कल जो है पंजाब पुलिस वालों से मैसेज आया, पंजाब पुलिस के किसी ऑफिसर का मुझे, कि ऐसे ऐसे अमृतसर में उन लोगों ने कोई FIR मतेवाल पुलिस स्टेशन में रजिस्टर करी है और किसी व्यक्ति से वहाँ पे 50,000 कैप्सूल जो हैं वो ट्रामाडोल के पकड़े हैं, जो कि इलीगल तौर पे ले जा रहा था और कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पा रहा था, और जो कैप्सूल वहाँ पे पकड़े गए थे उन पे जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का नाम लिखा था वो पौंटा साहब का इस यूनिक फॉर्मुलेशन का लिखा हुआ था। उस सिलसिले में एक कड़ी जोड़ते हुए पंजाब पुलिस ने जो है पौंटा में दबिश दी,
फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, और हमें भी इंटीमेट किया, हमने भी, मैंने भी, और अपने दोनों ड्रग इंस्पेक्टर्स को यहाँ से मोर के उनको डिप्यूट किया, और मैं भी मौका पे पहुँचा और हमने पंजाब पुलिस का पूरा सहयोग किया। हमारे लोकल पुलिस भी वहाँ पहुँच गई थी और कार्रवाई हमारी कल दोपहर बाद से सुबह 5-6 बजे तक चलती रही थी। ये दवाई है जो कि डॉक्टर्स द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है पेशेंट्स को, आरएमपी प्रिस्क्रिप्शन पे मरीजों को दी जाती है, लेकिन इसका इसमें इंटॉक्सिकेंट ड्रग होती है, तमाडोल होता है, नशे के लिए भी इसको मिसयूज किया जाता है कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम रमेश शर्मा है और मैं जीवन उत्साह न्यूज़ का मुख्य संपादक हूं। पिछले 2 वर्षों में हिमाचल के अलग अलग जिलों में काम करते हुए हम इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपने हमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप निराश नहीं होंगे, भले आप 1 महीना इस चैनल को फॉलो करके देखिए, आपको मिलेंगे यहां जागरूकता से जुड़ी हुई वीडियो और आपके परिवार आपके समाज से जुड़ी हुई वीडियो। सर्च कीजिए जीवन उत्साह न्यूज़ फेसबुक पे और यूट्यूब।